हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन जहाज़ ब्लॉग्स एंड किचन। फ्रेंड्स, कैसे, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कच्चे चावल का आटा। तो ना आपको भिगोने की ज़रूरत है, ना ही सूजी की ज़रूरत पड़ेगी, ना मैदे की। तो देखिए, मैं ये फटाफट से बना लूँगी। तो ये मैं एक कप चावल ली हूँ, ये वही चावल है जो आप रोज़ खाते हैं। तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, इसको धोया नहीं था, इसको पोंछ ली हूँ 3-4 बार अच्छे से, ताकि इसका पाउडर निकल जाए। तो इसको मैं एकदम फाइन पाउडर बना लेती हूँ। तो देखिए, इसका एकदम ध्यान रखना है कि पाउडर एकदम फाइन होना चाहिए एकदम। अगर आपको लगे कि थोड़ी दरदरी है तो इसको छान लें छन्नी में से। तो देखिए, ये एक कप हमारा आटे का पाउडर बनकर रेडी है। तो इसी से बहुत सारे डोसे बन जाएंगे और एकदम पापड़ की तरह। तो ये 1-2 बड़ा चम्मच मैं इसमें बेसन मिलाऊंगी, तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से एकदम कुरकुरी बनेगी ये वाले डोसा। तो ये 2 बड़े चम्मच मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। ये सिर्फ कलर के लिए, बहुत सुंदर सा कलर, एक सुनहरा सा कलर आता है इससे और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये 2 बड़े चम्मच मैं इसमें बेसन का आटा डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह सूजी भी डाल सकते हैं, पर मैं बेसन कलर के लिए डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसको हल्की फुल्की भूख में, तो जब भी आपको डोसा खाने का मन करे तो आप इसको बना सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाती है और काफ़ी हेल्दी भी होती है, क्योंकि मैं इसमें कुछ सब्ज़ियाँ मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, मेज़रमेंट के लिए पानी बहुत ज़रूरी है कि कितना डालना है। तो मैंने 1 कप लिया है, इसका सीधे डबल 2 कप पानी डालूंगी। और जैसे 2 चम्मच बेसन डाला है, तो 2 चम्मच का 4 चम्मच पानी डालूंगी। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, एक साथ नहीं डाले, एक साथ डालने से कभी मतलब गुठलियाँ पड़ने का चांसेस हैं। पतली तो ये होगी बिल्कुल पानी जैसी, जो इसका बैटर होगा एकदम पानी जैसा होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा डालकर गुठलियाँ ख़त्म होने तक पहले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो देख सकते हैं, इसका बिल्कुल भी वाइट कलर नहीं है, एक अलग सा कलर आया। तो मैं बाकी दूसरा कप ले रही हूँ, और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी डाल सकते हैं, लेकिन डबल होना ही है, डालना ही है इसमें। तो अभी ये दूसरा कप डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जा रहा है। और इसी को आप थोड़ा गाढ़ा चीले जैसा बनाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा गाढ़ा बनाएं, तो वो चीला बन जाएगा। लेकिन मैं एकदम पापड़ वाला डोसा बनाऊंगी, पेपर टाइप का, और बहुत जल्दी और एकदम आसानी से कोई भी बना लेगा। और बहुत कुरकुरी है, देखने में बहुत सुंदर लगती है ये वाले जो डोसा होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए, इसमें अभी कोई भी लम्स नहीं है। तो ये चूँकि कच्चा चावल है, तो इसको भीगने के लिए छोड़ूंगी मैं, लगभग आप जितना देर छोड़ सकते हैं उतना अच्छा होगा। तो पर कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप 5 मिनट के बाद बना सकते हैं। तो मैं इसको 10 मिनट से, जब तक मैं बाकी सब्जियां काटूंगी तब तक के लिए छोड़ दूंगी 10-15 मिनट के लिए। और अगर आप सब्जियाँ नहीं डालना चाहते हैं तो फिर बना सकते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखिए कितना पतला है, लेकिन ये थोड़ी सी और बाद में हो सकता है गाढ़ी हो जाए, तो मैं थोड़ा पानी और ऐड करूँगी। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही, 2 कप डाली हूँ, 2 कप पानी और 2 चम्मच बेसन डाला था, तो 4 चम्मच पानी डाली थी। तो ये देखिए, मैं गाजर ली हूँ, एक बड़ा सा गाजर है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ डालूँगी, नहीं तो सिर्फ सब्ज़ियाँ सब्ज़ियाँ हो जाएंगी। तो मैं इसमें से आधा गाजर डालूँगी। तो गाजर को धो लिया है, अब इसको छील लेते हैं। उसके बाद आधा गाजर मैं लूँगी, जिसको ग्रेट कर लूँगी छोटे वाले ग्रेटर से। और ये ढेर सारी धनिया की पत्ती है, और ये 2 हरी मिर्ची, इसको बारीक काटूँगी। इसको बारीक कर लेते हैं। जितनी बारीक बारीक सब्जियाँ होंगी उतनी अच्छी है, कोशिश करें कि एकदम महीन काटने की। और ये अदरक का टुकड़ा लिया, इसको भी छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं।
तो अदरक ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, नहीं पसंद है तो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है अदरक डालने से, एक अलग टेस्ट आता है इसमें। अब मैं ये बहुत बड़ा सा गाजर है तो मैं आधा ही गाजर डालूँगी, लगभग 2 बड़े टेबल स्पून, 2 बड़े चम्मच, तो छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ इसको, पर मैं आधा ही गाजर डालूँगी। ये देखिए कितना सारा, 2-3 चम्मच के करीब हो गया ये। और ये एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है तो इसको भी एकदम बारीक बारीक काट ली हूँ, और ये आधा शिमला मिर्च है उसको भी बारीक काट ली हूँ, और ये धनिया की पत्ती है ढेर सारी। तो ये देखते हैं, ये हमारा 5-10 मिनट हो गया तो करीब फूल गया है। तो देखिए इसका बैटर कितना पतला है, एकदम पानी के जैसे लिक्विड लिक्विड है। देखिए ऐसा ही चाहिए हमें, तो थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ी देर बाद मैं दिखा रही हूँ आपको। तो मैं इसमें और लगभग 4-5 बड़े चम्मच पानी और ऐड की हूँ, तो ये अभी परफेक्ट है, अब नहीं डालेंगे इसमें। तो टोटल 2.5 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड की हूँ, और 4 बड़े चम्मच इतना पानी डाला है इसमें, और ये 1 छोटे चम्मच नमक डाल दी हूँ, और ये 1 छोटे चम्मच जीरा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा जीरा, इसको स्किप मत कीजिएगा। और ये थोड़ी सी लाल मिर्ची मैं बहुत कम डाल रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची डाल रही हूँ 2, तो आप ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डालिएगा। ये है चाट मसाला, ये 1 छोटे चम्मच डाल दी हूँ, बहुत चटपटी बनेगी इससे। और ये शिमला मिर्च 2 बड़े चम्मच, मैं आधा शिमला मिर्च का इस्तेमाल की हूँ, और बहुत छोटा सा था, मतलब आधा बड़ा था, तो मैं इसको आधा डाली हूँ। और ये 2 हरी मिर्ची, ये अदरक, जितनी भी सब्जियाँ काटी है सबको ऐड कर देते हैं, अदरक, प्याज, हरी मिर्ची, गाजर, शिमला मिर्च। अगर आप फूल गोभी डालना चाहते हैं तो उसको भी ग्रेटर से ग्रेट करके डाल सकते हैं, पर मैं वो नहीं डाली हूँ, मुझे इतनी सब्जियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं इसमें, तो मैं यही डाली हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप इसको बनाएं ना, हर बार इसको अच्छे से चलाना है ऊपर से लेकर नीचे तक, तभी आप इसको तवे पर डालिए, क्योंकि ये ना चावल के आटे में ये नीचे पानी बहुत ज़्यादा है तो नीचे जम जाता है चावल का आटा। ये देखिए बिल्कुल पानी पानी सा है, ऐसा ही चाहिए। तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस में, तो इधर तवा को मैं गरम होने के लिए रख दी हूँ, तो मैं फिर दिखा रही हूँ आपको। देखिए 2 मिनट बाद पानी ऊपर हो गया, तो इसको चला लेना है, हर बार चलाना है, जब भी आप तवे पर डालें तो इसको एक बार मिक्स कर लेना है, अच्छे से चला लेना है बढ़िया से, तो ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इधर देखिए मैं तवा को चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए, तो इसको मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे। तो बीच बीच में आपको लगेगा कहीं हाई करना है तो आप कर सकते हैं। तो तवा हमारा अच्छा गर्म हो गया है, तो इसको ऑयल से ग्रीस कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। तो देखिए धुआं निकल रहा है, अब इसी में तवा अच्छा सा गर्म हो गया है, तो इसको मिक्स कर लेते हैं। और देखिए कितना बबल सा रहा है, तवा इतना गर्म है, तो इसको ऐसे डालकर आप चाहें तो चारों तरफ घुमा भी देंगे ना तो ये फैल जाएगा, तो
तो जहाँ जहाँ गैप है उस सब में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। बिल्कुल पापड़ की तरह ये डोसा बनेगा, उतना ही पतला। इसको इधर उधर तवा को घुमाकर चारों तरफ से सेक देंगे ताकि कहीं से कच्चा ना रहे। जब ये ऊपर से सूख गया तब इसमें ऑयल डाल देंगे। मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहें तो सरसों के तेल में भी डाल सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, किसी में भी ये बहुत अच्छा लगता है। जब ये अच्छे से सूख जाएगा, नीचे से लगेगा कि थोड़ा क्रिस्पी सा हो गया, तो ये देखिए पहला होता है ना तो थोड़ा सा चिपकता है, लेकिन ये वैसा भी नहीं चिपकता कि आप नहीं इसको उठा सके। तो ये नीचे से सीख गया है, अब मैं इसको पलट देती हूँ। इतनी टेस्टी लगती है ना, इसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही खा सकते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी, आपको देख कर भी लग रहा होगा कितनी क्रिस्पी बनी है ये। तो देखिए मैं इसको निकाल दी हूँ, इसमें देख सकते हैं कितना सुंदर, देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, बहुत सुंदर इसका कलर आया है, सुनहरा सा। तो इसी तरह से दूसरा वाला भी डाल देते हैं। मैं एक दो बनाकर आपको दिखा दे रही हूँ। मेरे घर में ये डोसा सभी को बहुत पसंद है, तो आपको जब भी डोसा खाने का मन करे तो आप फटाफट से इसको बना सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आता है और बहुत हेल्दी भी है ये, कोई दिक्कत नहीं है, ना आपको चावल भिगोने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। बस 10 से 15 मिनट में आप इसको बनाकर फटाफट तैयार कर सकते हैं, और हल्के फुल्के भूख में भी खा सकते हैं, ज़्यादा भूख में भी खा सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा डोसा है, पतला चूंकि बहुत ज़्यादा है, तो ये कोशिश कीजिएगा नीचे से जब अच्छे से ये सीख जाए तभी इसको पलटिएगा, वरना ये टूट जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला है, एकदम पापड़ की तरह ये पतला है। तो ये देखिए मैंने इसको हल्के हल्के हाथों से, कुछ ज़बरदस्ती मत कीजिएगा इसके साथ, वरना ये टूट कर बिखर जाएगा, इतना क्रिस्पी है ये, लेकिन खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए मैंने दूसरा डोसा भी बना दिया, इसको पलट भी दिया, और कितना सुंदर इसका कलर ही बहुत मस्त लग रहा है देखकर। तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ, फिर तीसरा वाला भी उसी तरह से डाल दी हूँ। तो देखा पहला थोड़ा सा चिपकता है, उसके बाद एकदम अपने आप तवा सेट हो जाता है, फिर एकदम आराम से पलट जाता है। तो ये हमारा तीसरा वाला भी बनकर रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।